हम एग्जाम्पल नंबर बात कर रहे हैं 17, 1-7। देखो क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन। दो रिग्रेशन इक्वेशन मांग रहा है। देखिए एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और वाई का वैल्यू दिया हुआ है 2, 4, 7, 6, 5, 6, 5। कोई डाटा दिया हुआ है नहीं ना। इसके पहले वाला में क्या था, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन, वाई का स्टैंडर्ड डिविएशन और कोरिलेशन दिया हुआ था। सारे वैल्यू दिए हुए थे और आपको बोल रहा था क्या कि आप इक्वेशन निकालो। यहां पर कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक्स और वाई दो नंबर्स दे दिए और आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन बोल रहा है बनाने के लिए। तब जरा बढ़िया से समझेंगे। कारण क्या है, अगर आप इसके टेबल को समझ जाते हो, अगर आप इसके टेबल को समझ जाते हो मींस कोरिलेशन फ्री में सीख गए, क्योंकि रिग्रेशन का जो टेबल है ना कोरिलेशन में वही टेबल है। तो टेबल सीखिए पहले। अभी तक आपने क्या देखा, जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथ एंड स्टैटिक्स, हम लोग बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्टेट के अंदर जो सम्स दिए रहते हैं पहले उसको एजिटीज उतार दिया जाता है। तो उतार दो, कैलकुलेशंस किसका कर रहे हो आप, रिग्रेशन इक्वेशन का क्या कर रहे हो, रिग्रेशन इक्वेशन वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है बोलिए, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और वाई का वैल्यू दिया हुआ है 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां का नंबर जरा बताइए ना, 7, 6। बनाने के दो तरीके हैं। देखो हम अभी क्या बोले थे आपको कि इसमें दो फार्मूला है, एक तो एकदम छोटा सा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालने का एक छोटा सा फार्मूला, और एक फार्मूला क्या है बड़ा है, ठीक है। बट दोनों को आप थोड़ा बढ़िया से देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए और कौन सा फार्मूला नहीं लगाना चाहिए। देखो ध्यान से, सबसे पहले मीन निकाल के देखेंगे, इसका टोटल करेंगे, समेशन एक्स 28 हो गया, इसका टोटल करेंगे सभी का तो 35 हो गया। सबसे पहले हम लोग एक्स का मीन निकालेंगे, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन 28 डिवाइड बाई 7 4, राउंड फिगर में आ गया, आया ना राउंड फिगर में। इसी तरह से हम लोग वाई का मीन निकालेंगे, समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन 35, टोटल नंबर 7 है। दोनों हमारा देख रहे हैं, दोनों का दोनों एक्स का मीन और वाई का मीन राउंड फिगर में आया है, तो हम लोग छोटा वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं। बट पहले इसको आगे बढ़ाइए, इसमें भी और भी है, क्या करना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, वाई का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, एक्स 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 25, 36, 49, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा समेशन वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 7 का 49, 36, 25, 36, 25, कोई दिक्कत। अभी हम लोग इसको प्लस करेंगे, आप लोग भी थोड़ा कैलकुलेटर चलाइएगा। इसका टोटल हो गया 140, 191 हो गया ना। अब देखो क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट हम लोगों को एक्स इंटू वाई करेंगे, कौन सा एक्स, 2, 8, 21, 24,
25, 36, 35। हमारा एक चीज और आ गया, समेशन एक्स वाई, एड करो, देखो कितना आ रहा है, 1151। देखो अभी हम आप लोगों को क्या बताए थे, अगर ये क्वेश्चंस था, ये सम्स था, पहले आप x का मीन y का मीन निकाल लिए, राउंड फिगर में आया तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते थे, मतलब जो शॉर्ट फार्मूला था वो लगा सकते थे, बट यहां पर हम लोग शॉर्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे, उसके पीछे रीजंस क्या है उसको समझिए। अगर आप शॉर्ट लगाना चाहते हैं तो इसका डिविएशन करना पड़ता है, ये तो हम लोग क्या किए, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिए। अभी जो इक्वेशन है आपका, इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या है बोलिए, आपको दो इक्वेशन निकालना पड़ेगा ना, देखिए सम सिर्फ ये था, फिर से समझो, सम सिर्फ ये था, सम्स को उतारे, जब हमको वाई ऑन एक्स निकालने का भी बारी आएगा तो फॉर्मूला है वाई माइनस वाई मीन बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन, ये पहला इक्वेशन आएगा, दूसरा इक्वेशन हम लोग यहीं पर निकाल देंगे, बट जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूं उसको जरा बढ़िया से समझो, इसलिए बोर्ड की तरफ ध्यान देखो, y तो y रहेगा, y का मीन हम लोग निकाल लिए, y का मीन कैसे निकालें, y को प्लस करके डिवाइड कर दिए, y का मीन आ गया, x का मीन आ गया, क्या बी वाई एक्स अभी आया है, नहीं आया है, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ठीक इसके पीछे, यानी अभी जब मैंने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तो मैंने बताया था कि बी वाई एक्स निकालने का दो तरीका है, दो फॉर्मूला है, आप छोटा जो फॉर्मूला है उससे भी बना सकते हैं, बड़ा से भी बना सकते हैं, बट अभी हम लोग किससे बनाएंगे, जो बड़े वाला है उससे। तो चलिए फॉर्मूला यहां पर लिखते हैं, डी वाई एक्स यहां पर निकाल लेते हैं, हम यहां निकाल दे रहे हैं डी वाई एक्स और बी एक्स वाई, जल्दी से निकालिए, आप लोग भी निकालिए, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं अभी, क्या फॉर्मूला बोलिए निकालने का, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, यहां एक्स है, समेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स का होल स्क्वायर, एन तो टोटल सेवन है, सेवन है ना नंबर, ये देखिए हम लोगों ने यहां सेवन किया, ये कितना आया है 151, समेशन एक्स कितना आया देखिए 28 इंटू समेशन वाई कितना है 35, समेशन एक्स स्क्वायर कितना आया बोलिए 140, फॉर्मूला क्या है समेशन एक्स 28 का होल स्क्वायर, और अभी देखिए आपका तुरंत आ जाएगा वैल्यू 7 into 151 1057, 28 into 35 980, 140 into 7 980, 28 into 28 784। अब देखो 1057 में से 980 माइनस कर दिए तो आ गया 77, 980 में से 784 चला गया, 196, 77 को 196 के आप डिवाइड कीजिए 0.39 अप्रॉक्स, ओके बढ़े आगे, क्या कंप्लीट हो गया अभी, नहीं क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, यहां पर देखो क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, सो क्योंकि अभी रिग्रेशन इक्वेशन बोला है तो हमको रिग्रेशन इक्वेशन के लिए x ऑन y भी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा x ऑन y, x ऑन y का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस, बाद में उठा लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, x ऑन y x माइनस x मीन y पीछे है तो b x y y माइनस y मीन होगा, तो हम लोग को भी एक चीज और निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा बोलिए, तो हम लोग यहीं पर बी एक्स वाई निकाल लेते हैं, एन समेशन एक्स वाई, ऊपर का फॉर्मूला तो सेम है ना, सिर्फ नीचे में क्या होगा, जहां पर एक्स है
वहां वाई स्क्वायर हो गया, समेशन वाई का होल स्क्वायर हो गया। अभी बिठा दीजिए आ जाएगा एन के जगह तो 7 × 151 ऊपर में तो हम लोग किया ही है 28 × 35। यहां 7 × समेशन y² कितना है देखिए 191 और समेशन y 35 का होल स्क्वायर। ऊपर में हम लोग चाहे कितना भी करेंगे 77 ही तो आएगा ना, आएगा तो 77। और नीचे में 7 × 191 1337, 35 × 35 1225। को 112 से डिवाइड कर दिए 0.6875 और 0.369 हम लोग लिख सकते हैं। कितना आ गया 0.6875 और 0.69। अब बिठा दीजिए सारा काम आपका हो चुका है। वाई माइनस वाई मीन, वाई का मीन आया है 5, बी वाई एक्स 0.39, एक्स माइनस एक्स का मीन, एक्स का मीन आया है 4। वाई इधर ही रहेगा 0.39x 1.56 प्लस, इसलिए y का वैल्यू आ गया 3.44। इधर में बिठाइए x माइनस x का मीन, x का मीन कितना है बोलिए 4, बी एक्स वाई कितना निकला 0.69, y माइनस y का मीन 5, इधर 4 और x का भी वैल्यू आ गया 4.69। कॉपी करिए फिर हमें भी हम पूरा समझा दे रहे हैं आपको, समझो फिर से कैलकुलेशंस कर रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन का। ये सम सम को दिया हुआ था, एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ था, दो इक्वेशन मांग रहा था। हमेशा याद रखेंगे अगर ओल्ड डाटा गिवन नहीं दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग को डाटा फाइंड आउट करना पड़ता है। डाटा क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वाई का मीन, एक्स का मीन और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। हम लोगों ने क्या किया, पहले एक्स और वाई का, एक्स का और वाई का स्क्वायर कर दिया, एक्स इंटू वाई किया, सब कुछ आ गया। एक्स का मीन निकालने के लिए एक्स का जो टोटल किए नंबर ऑफ 7, एक्स का मीन आ गया। वाई का मीन निकालने के लिए जो समेशन वाई किए हैं यानी सिग्मा वाई डिवाइड बाई टोटल जो है उसे 5 आया। फॉर्मूला ये है वाई ऑन एक्स का, वाई माइनस वाई मीन बी वाई एक्स। अब बी वाई एक्स निकालने के लिए दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला छोटा वाला, एक फॉर्मूला बड़ा वाला। बड़ा वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बड़ा कब करना है, जब पॉइंट में नहीं यहां पर आता तब। तो हम यहां पर फ्री हैं, छोटा वाला भी कर सकते थे बट हम लोग बड़ा वाला ही कर रहे हैं, छोटा तो आप आराम से कर सकते थे। हम लोगों ने क्या किया, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकाल दिया, यहां पर बिठा दिए वाई के जगह वाई, वाई का मीन 5, बी वाई एक्स हम लोगों ने निकाला था और फिर ये कैलकुलेशन है। इस तरह से वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन इक्वेशन निकल गया, एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन इक्वेशन निकल गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम जो शॉर्ट तरीका है उससे बनाने का, शॉर्ट तरीका मतलब ये जो बी वाई एक्स का जो फॉर्मूला है सिर्फ एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स है, अगर आप इससे बनाना चाहते हो तो बन जाएगा। और अगर आप साथ ही साथ बी एक्स वाई का समेशन एक्स वाई, यहां वाई है वाई स्क्वायर, सिर्फ इससे बनाना चाहते हो इससे भी बन जाएगा। हम सेम सवाल का, सेम सम्स का हम शॉर्ट करके भी बनाने के लिए आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जज कर पाएंगे कि नहीं आंसर सेम आता है, लेकिन अगर पॉइंट में आ जाता
तो कहां पर क्या दिक्कत आएगा, जब तक अभी ये आप किए, अभी इसी को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट वाला यूज करने के लिए, शॉर्ट वाला आप बोलेंगे सर बिठा दीजिए ना समेशन एक्स वाई ये 151, बिठाइए कभी नहीं आएगा, आप बिठा के देखो 151 डिवाइड बाई समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 140, कितना गया 1.07, है क्या 1.07, नहीं है ना, कितना है 0.39। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो टेबल में चेंजेज आएगा, टेबल में चेंजेज आएगा, क्या चेंजेज आएगा उसको देखिए, वो जो चेंजेज आएगा ना उससे अच्छा है इस तरह से करना, उससे अच्छा है इस तरह से करना। तो चेंजेज क्या आएगा, आइए इसको हम लोग बनाते हैं एक और तरीके से, मिटा दें, चलो फिर से लिखो उसके नीचे, जज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लगेगा अरे सर तो लंबा वाला फॉर्मूला लगा के बना दिया, हमारा फ्रेंड तो छोटा वाला फॉर्मूला लगा के बना दिया, हम इतना लंबा फॉर्मूला कहां याद करेंगे, माथुर सर बोले हैं तो क्या याद करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको जज करना है, ताकि अगर कोई बोले तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं कि हाँ लंबा और छोटा में क्या फर्क है। तो चलिए फटाफट बनाइए, फिर से लिखिए कैलकुलेशन फॉर रिग्रेशन इक्वेशन, एक्स लिखिए वाई लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक तो सेम क्वेश्चंस को उतारेंगे और इसका टोटल भी हम लोग सेम करेंगे, 28 ही आएगा, चेंज नहीं होगा, यहां 2 4 7 6 5 6 5, यहां पर भी इसका टोटल करेंगे तो 35 आएगा, बट इसके बाद हम लोग पहले मीन निकाल के दिखाएंगे, इसके बाद हम लोग मीन निकाल के दिखाएंगे कि क्या राउंड फिगर में आ रहा है या राउंड फिगर में नहीं आ रहा है। तो एक्स इजिकल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, 28 डिवाइड बाई 7 4 आ गया, एंड वाई का जो मीन है उसको भी हम लोग निकाल के देखेंगे, यहीं पर देख लेते हैं वाई का मीन, समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन 35 डिवाइडेड बाई 7 5, राउंड फिगर में आ गया। तो क्या करना पड़ेगा आगे उसको देखिए, आगे क्या करना पड़ेगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां से दो तरीके हैं बनाने का, एक बड़ा वाला बनाएंगे तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर करो, और अगर आप बड़ा वाला नहीं बनाना चाहते हैं, आपको लालच आ गया कि 4 और 5 राउंड फिगर में आया तो हम bx और bxy निकालने के लिए छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तब तो फिर आपको डिविएशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा डिविएशन, डिविएशन मतलब ये x हमारा कोई काम का नहीं, एक x निकालना पड़ेगा, x माइनस जो x का मीन आया 4, और एक डिविएशन y का भी करना पड़ेगा, ये y नहीं y माइनस 5। तो हम लोगों ने क्या किया, एक नया x बनाया, x माइनस x मीन, y नया बनाया y माइनस y मीन। अब देखो जी यहां पर 1 रखेंगे, 1 में से 4 गया तो क्या आया माइनस 3, 2 रखो क्या आया माइनस 2, माइनस 1 0 1 2 3, ठीक है, इसी तरह से यहां पर जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा माइनस 3, 4 रखेंगे तो माइनस 1, 7 रखने से 2, 6 में से 5 गया तो 1, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 5 गया तो 1, 5 में से 5 गया तो 0। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो शॉर्टकट हमेशा लॉन्ग कट हो जाता है, देख लीजिए, अब ये x और ये y हमारा कोई काम का नहीं है, एक नया x बन गया, अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बोलिए खटाली तो उतना ही हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, खटाली हुआ या नहीं हुआ बोलिए, हो गया ना। अब ये देखिए स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 0 1 4 9, ये समेशन एक्स स्क्वायर अब हम लोग टोटल करेंगे आ जाएगा 28, 9 1 4 1 0 1 0, समेशन वाई स्क्वायर किए आ गया 16,
एक्स इंटू वाई, अब देखिए जी एक्स इंटू वाई कौन सा होगा, ये नहीं होगा क्योंकि अब ये हमारा कोई काम का नहीं रहा, ये एक्स वाई, थ्री इंटू थ्री नाइन, टू यहां देखिए माइनस टू जीरो जीरो टू जीरो, समेशन एक्स वाई जो आया वो आ गया मेरा प्लस में इलेवन, क्योंकि देखिए ओके यहां तक कोई दिक्कत, अब आप खुश हो सकते हैं। अब लेकिन किस बात का सर, इस बात के लिए खुश हो सकते हैं यहां पर आपने इतना खटाली किया, देखो माइनस शून्य में जरा सा भी दिक्कत होगा तो आपका गलत हो सकता था, ये भी तो सोचो। आप बोलेंगे सर जो भी होता है, बट अब छोटा वाला तो हम लोग यूज कर सकते हैं, छोटा वाला यूज कर सकते हैं, मतलब अब हम लोग निकाल सकते हैं बी वाई एक्स समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई कितना है 11, एक्स स्क्वायर कितना है 28, डिवाइड करो देखो सेम आएगा, उसमें कितना आया था 0.39, देखिए यहां पर भी 0.39 आया अप्रॉक्स देखो, और बी एक्स वाई समेशन एक्स वाई तो सेम आएगा, समेशन वाई स्क्वायर आएगा, ऊपर में तो 11 ही रहेगा, वाई स्क्वायर कितना है 16, करके देखिए सेम आ रहा है 0.69 अप्रॉक्स। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं किससे बनाना पसंद करेंगे आप, बोलिए किससे बनाना पसंद करेंगे, शॉर्ट वाला या लॉन्ग वाला? देखिए शॉर्ट यहां पर हुआ, थोड़ा क्या हुआ, सिर्फ इसके आगे n लगा देते और ऊपर में माइनस होता समेशन x समेशन y, और यहां पर x है तो समेशन x का होल स्क्वायर माइनस हो जाता, यहां पर थोड़ा सा एक जरा सा बड़ा होता, लेकिन यहां पर तो सबसे पहले ये एक्स वाई को बाद देके एक नया एक्स वाई तैयार करना पड़ा जिसमें माइनस प्लस काफी कुछ आ गया। हमेशा याद रखेंगे अगर कोई चीज देखने में आसान लगता है मीन्स वो टफ है, और जो टफ लगता है वो आसान है, ये बात दिमाग में बिठा लो। अब रह गया बात, क्या काम खत्म हो गया, देखो क्या किए, सो फिर से समझो, एक्स वाई दिया था, अब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम उस मेथड से बनाते तो डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर करते तो ये बीच का घट गायब हो जाता और एक्स वाई इसी का करते, एक्स का मीन वाई का मीन ऐसे ही निकालते, सिर्फ बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने में यहां पर जो फॉर्मूला वो है उसको लगाते। चलिए यहां पर भी हमको दोनों मेथड आपको बताना जरूरी था, यहां पर आपने देखा अगर ये छोटा लगाना चाहते हैं तो आपको यहां पर डिविएशन करना पड़ेगा। अब देखो आप बोलेंगे सर अगर पॉइंट में आता, पॉइंट में आता तो देखो डिविएशन करने में कितना दिक्कत आता, अगर मान लीजिए 4.5 होता तो माइनस करते सब में पॉइंट आता, स्क्वायर करते तो पॉइंट का स्क्वायर, मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर लेते। तो इस सारे चीजों को इजी करने के लिए, इजी तरीके से समझने के लिए हमेशा याद रखेंगे कोई एक मेथड को पकड़ लो कि हमको कैसे बनाना है। हम लोग मेथड कैसे बनाएंगे वो जो भी इसके पहले बताए थे, ठीक है, यहां तो हो गया, इसके बाद सेम टू सेम बात करना है, क्या करना है बोलिए, दो रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, पहला रिग्रेशन इक्वेशन आप तैयार कर लीजिए यहीं पर, हम यहां पर करवा दे रहे हैं, हेंस द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज वाई माइनस वाई मीन बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन, y के जगह y, y के मीन के जगह हम लोग 5 बिठाएंगे, बी वाई एक्स 0.39, x तो x और x का मीन 4, और यहां पर y इज इक्वल टू निकल गया, अभी तुरंत निकला था, सेम वही चीज हम यहां पर दिखाना चाहते हैं, और प्लस निकला था 3.44, एंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x and y is x का जो मीन है वो 4 है, b
एक्स वाई 0.69, वाई माइनस 5 और एक्स का निकल गया 0.6y प्लस 0.55। ये था आपके रिग्रेशन, दो तरह का होता है। उम्मीद है आपको दोनों तरह का बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है।